तो हेलो दोस्तों दोस्तों पता है मजा कब आता है, जब आप किसी एक ऐसी मूवी को देखना शुरू कर देते हो जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं है कि भाई यह मूवी कैसी निकलेगी, और भाई साहब उस मूवी में बड़ा धमाका हो जाता है। आई मीन भाई साहब वो मूवी बहुत ही तगड़ी निकल कर आती है, तो उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। और इससे पहले भी मैंने कई सारी ऐसी साउथ की मूवी देखी है जिनकी कोई उम्मीद ही नहीं थी भाई साहब, जिनका ना कोई पोस्टर अच्छा है, ना कोई थंबनेल अच्छा है, ना ट्रेलर अच्छा है, लेकिन भाई साहब ऐसी मूवी में कमाल ही हो जाता है। तो आज हम एक ऐसी ही कॉमेडी ड्रामा मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है म्यूजिक शॉप मूर्ति, जो कि 27 जून 2024 को थिएटर में रिलीज हुई थी, लेकिन इसको अभी हिंदी में डब करके प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया है, जिसको फाइनली मैंने देखकर खत्म कर लिया है। तो कैसी है ये मूवी, आइए बात करते हैं। क्या ये मूवी आपको एंटरटेन करती है? हाँ। और क्या इस मूवी के लिए अपना कीमती टाइम देना वर्थी है भी या नहीं? हाँ भाई हाँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। वेल हेलो, मेरा नाम है अशोक कुकर और आप देख रहे हैं कुकर रिव्यू पॉइंट। बात करें इस फिल्म की स्टोरी लाइन की, दोस्तों बिना स्पॉइलर के बस यही कहूंगा कि कहानी टेक प्लेस करती है 2010 के ओरा में, आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव वेनिकोंडा में, जहां पर मूर्ति नाम का एक 50 साल का किरदार है जो कि एक म्यूजिक शॉप यानी कि एक कैसेट की दुकान चलाता है। लेकिन भाई साहब अब इंटरनेट आ चुका है तो इन कैसेट वगैरह को कोई खरीदना चाहता ही नहीं है, तो इसी की वजह से मूर्ति की दुकान धीरे धीरे चलनी बंद हो जाती है और उसकी फैमिली में एक से बढ़कर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती है, और यहाँ तक कि उसकी फैमिली उस दुकान को बेचने का प्लान भी कर लेती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब किसी एक खास कारण से मूर्ति को डीजे बनने का भूत सवार हो जाता है, आई मीन भाई साहब जो क्लब वगैरह में डीजे बजाते हैं ना वो वाला। और उसके बाद इस कहानी में किस किस तरह के ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे आपको, ये तो आप मूवी में देख ही लोगे, जिसकी लेंथ वेरी करती है 2 घंटे और 10 मिनट के आसपास। और यह मूवी आपको अमेजोन प्राइम पर हिंदी डब के अंदर भी देखने को मिल जाएगी। अब अगर एक लाइन में मुझे इस मूवी का रिव्यू करना हो तो मैं यही कहूंगा कि यह छोटा पैक और बड़ा धमाका। परफॉर्मेंस की बात करें तो देखो दोस्तों इस मूवी को लीड कर रहे हैं अजय घोष, जो कि एक बेहतरीन एक्टर है, और भाई साहब उनके कैरेक्टर में आपको अच्छी खासी डेप्थ और इंटेंसिटी देखने को मिलेगी। मतलब चाहे उनके कॉमेडी सीन्स हो या फिर उनके इमोशन सीन्स हो, सब में उनका काम बहुत ही तगड़ा देखने को मिलेगा, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। इसके अलावा जो उनकी वाइफ बनी है ना अमानी, उनका काम भी गजब का था, उनको देखकर आपको मजा आएगा। और दोस्तों इस मूवी में जो चांदनी चौधरी है ना, उनका एक अहम रोल है इस मूवी में, लेकिन स्क्रीन टाइम कम दिया गया है, बट सॉलिड परफॉर्मेंस। और दोस्तों सपोर्टिंग कास्ट जितनी भी थी ना, सबका काम यहाँ पर अच्छा देखने को मिलेगा, यानी कि परफॉर्मेंस वाइज इस मूवी से आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। बात करें पॉजिटिव की, देखो दोस्तों इस मूवी का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इसकी कहानी, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन उसको इस तरीके से लिखा गया है ना कि आप इसके कैरेक्टर की जर्नी के साथ और इस इन्वायरमेंट के साथ इजिली कनेक्ट हो जाओगे। मूवी का स्क्रीन प्ले भी काफ़ी अच्छे तरीके से लिखा गया है, जो फास्ट फेस तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ मूवी शुरू के 15 मिनट में ही आपको इंगेज कर लेगी, बोर तो नहीं करेगी, ये मेरी गारंटी है। मूवी की सिनेमाटोग्राफी प्रोडक्शन वर्क भी डिसेंटली देखने को मिलेगा आपको। और दोस्तों इस मूवी का जो क्लाइमैक्स है ना भाई साहब, वाह, क्लाइमैक्स को देखकर आपको 100% मजा आने वाला है। मतलब कि जो लास्ट के 15 से 20 मिनट है ना, वो आपको रुलाकर ही मानेंगे। और भाई साहब इस मूवी की हिंदी डबिंग काफ़ी अच्छे तरीके से की गई है, और दोस्तों इस मूवी में जो डीजे का जो फील्ड है ना, इसको बहुत ही डीपली तरीके से यहाँ पर शो किया गया है, और जो मूर्ति का स्ट्रगल है ना, उसको देखकर भी आपको मजा आएगा। बात करें नेगेटिव की, देखो दोस्तों इस मूवी में मुझे कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं लगा है, ना ही कोई कमी लगी है इस मूवी में, इनफैक्ट मैंने तो यह मूवी पूरी तरीके से इंजॉय की है भाई साहब। लेकिन फिर भी अगर कुछ बोलना ही है तो इतना कहना चाहूंगा कि यार इसमें जो सॉन्ग्स थे ना, वो हिंदी डब के अंदर इतने अच्छे से वर्क नहीं कर रहे थे, तो उसमें से एक दो सॉन्ग्स अगर कम कर देते ना तो ज़्यादा अच्छा रहता। दोस्तों ज़्यादा बातें ना करते हुए बस इतना कहना चाहूंगा कि ऑल इन ऑल यह एक साफ सुथरी, प्यारी और खूबसूरत सी मूवी है, जिसको आप अपनी फैमिली के साथ आराम से एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि मूवी में आपको कोई भी न्यूडिटी या वल्गर सीन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको एक्शन मास मसाला फिल्में पसंद है तो आपको यह मूवी डिसअपॉइंट कर सकती है। दोस्तों मेरी तरफ से इस मूवी को मिलेंगे आराम से 4 out of 5 स्टार। तो दोस्तों यह था मेरा रिव्यू इस मूवी के ऊपर। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो यार, इसमें कोई पैसे थोड़े लगते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।